फ्रेंड्स इस लेक्चर में हम होलो सिलेंडर का मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना सीखते हैं पिछली वीडियोज में रिंग और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के बाद अब हमें एक बेसिक आइडिया हो गया है कि, कि किसी भी स्ट्रक्चर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने के लिए बेसिक स्टेप्स क्या क्या रहेंगे सबसे पहले कोई भी स्ट्रक्चर है तो हमें स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग एक कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन करना होता है उसके बाद उस कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमें एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट सरफेस एलिमेंट या वॉल्यूम एलिमेंट को कंसीडर करना होता है अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करने के बाद हमें उस स्मॉल एलिमेंट का स्मॉल मास कैलकुलेट करना होता है फिर स्मॉल मास का स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना होता है और फिर फाइनली इस स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अप्रोप्रिएट लिमिट से इंटीग्रेट करने के बाद नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना होता है पूरी स्ट्रक्चर का हम अब एक होलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करते हैं जिसकी रेडियस कैपिटल आर है हाइट स्मॉल एच है और इसका मास कैपिटल एम है क्योंकि यह है एक होलो सिलेंडर है तो इसमें कंप्लीट मास इसके सरफेस एरिया पर ही डिस्ट्रीब्यूटेड होगा और एक होलो सिलेंडर का सरफेस एरिया होता है टू पाई आर एच तो हम कह सकते हैं टू पाई आर एच एरिया में मास है कैपिटल एम तो यूनिट एरिया में मास होगा एम डिवाइड बाई टू कैपिटल आर इंटू एच सो दिस इज द मास पर यूनिट एरिया एंड वी कैन सी इट रो एस विच इज क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन करते हैं और वो सिलेंड्रिकल होगा जिसके अंदर पैरामीटर्स होंगे रो फाइव एंड जेड रो में चेंज डी रो होगा फाइव में चेंज डी फाइव होगा और जेड में चेंज डी जेड होगा उसके बाद इनके मल्टीप्लिकेशन फैक्टर रो एक लेंथ है तो वन होगा डी फाइव का रो होता है और जेड का वन होगा अब हम एक स्मॉल सरफेस एलिमेंट को मार्क करेंगे इस सिलेंडर के ऊपर वो मान लीजिए ये है हम अब देखेंगे कि इस सरफेस एलिमेंट की वजह से कौन कौन से चेंज एग्जिस्ट करते हैं सबसे पहले हम रो का चेंज देखते हैं क्या रो में चेंज मीन डी रो एग्जिस्ट करेगा तो इस सरफेस एलिमेंट के हर एक पॉइंट के लिए जो रेडियस है वो फिक्स है ट इज कैपिटल आर तो रो में चेंज एग्जिस्ट नहीं करेगा इनफैक्ट रो की वैल्यू जो होगी वो कंप्लीट सरफेस के लिए अगर हम इस स्मॉल एलिमेंट की बात करें तो इस कंप्लीट स्मॉल एलिमेंट के लिए उसकी वैल्यू कैपिटल आर रहेगी तो हम बोल सकते हैं डी रो एग्जिस्ट नहीं करेगा और रो की वैल्यू हर प्वाइंट पे कैपिटल आर होगी अब हम फाइव में चेंज को ऑब्जर्व करते हैं तो ये फाइव में चेंज है अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो फाइव की वैल्यू कुछ है और इस पॉइंट की बात करें तो फाइव की वैल्यू चेंज हो जाती है यह फाइव हम कैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं आप कहीं पर भी फाइव इक्वल टू जीरो को मार्क कर लीजिए और उसके रेफरेंस में आप देखिए सरफेस पे जो डिफरेंट एलिमेंट्स है उनके लिए फाइव की वैल्यू अलग अलग है तो इसलिए डी फाइव मीन्स फाइव में चेंज एग्जिस्ट करेगा अब हम जेड में चेंज को ऑब्जर्व करते हैं तो यस जेड में भी चेंज हो रहा है सपोज कीजिए ये वाला जो पार्ट है वह जेड इज इक्वल टू जीरो पे है और ये वाला पार्ट जो है वो जेड इज इक्वल टू एच पे है अब अगर हम इस स्मॉल एलिमेंट की बात करें तो यहां पर जेड की वैल्यू कुछ होगी और यहां पर जेड की वैल्यू चेंज हो जाएगी तो इसका मतलब है डी जेड एग्जिस्ट करता है इस स्मॉल एलिमेंट के लिए तो डी जेड एग्जिस्ट करेगा अब हमें क्या फाइंड आउट हुआ है एग्जिस्ट नहीं करेगा डी फाइव और डी जेड एग्जिस्ट करेंगे अब हम इस स्मॉल सरफेस एरिया एलिमेंट को लिखते हैं तो उसके लिए हमें कंप्लीट सरफेस एलिमेंट को लिखने की जरूरत नहीं है अब हमें इतना आइडिया हो गया है कि हमारे जो एग्जिस्टिंग पैरामीटर्स हैं जो एग्जिस्ट करेंगे उनकी हेल्प से ही हम सरफ़ेस एलिमेंट को लिख सकते हैं हमारे डी फाइ और डी जेड एग्जिस्ट करते हैं तो हमारा सरफेस एलिमेंट हो जाएगा डी फाइ इंटू डी जेड लेकिन डी फाइ के साथ रो भी आता है तो रो आ जाएगा और इसकी डायरेक्शन होगी ए रो कैप हमें जो बाकी की टर्म है वो लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑब्वियस है डीरो के जीरो होने की वजह से वो टर्म्स जीरो हो जाएंगी अब क्योंकि यह सरफेस एलिमेंट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में है जो कि एरो कैप है तो इस सरफेस एलिमेंट का मैग्नीट्यूड होगा डी एस इज इक्वल टू रो डी फाइ डी जेड तो हमारे पास डीएस की वैल्यू आ गई है मिस हमने सेकंड स्टेप को कवर कर लिया है अब हमें इसका मास निकालना है तो मास निकालने के लिए हम क्या करेंगे इस स्मॉल एलिमेंट के एरिया को इसकी सरफेस मास डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रो एस से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिल जाएगा डीएम तो डीएम इक्वल टू रो एस इन टू रो डी डी dz अब क्योंकि dm आ गया है तो थर्ड स्टेप भी कवर हो गया है अब हमें di निकालना है और वो होगा di equal to dm डीएम मीन स्मोल एलिमेंट का मास मल्टीप्लाई बाय वो मास कितनी रेडियस से रिवॉल्व करेगा वह तो वो हो जाएगा रो square. हालांकि यहां पे रो की वैल्यू r है लेकिन वो हम बाद में पुट करेंगे तो हमारे यहां पर डी आई की वैल्यू भी आ गई है डीएम इंटू रो स्क्र और यहां पर हम डीएम की वैल्यू को पुट कर सकते हैं तो डीएम की वैल्यू को पुट करने पर हमें मिलेगा रोएस इंटू रो इंटू डी जेड इंटू रो जाएगा रो एस इंटू रो क्यूब इंटू डी फाइव इंटू डी जेड अब क्योंकि कंप्लीट सरफेस के लिए रो आर के इक्वल है तो हम लिख सकते हैं रो एस इंटू आर क्यूब इंटू डी फाइव इंटू डी जेड ये हमारे हो गई डीआई की वैल्यू होगा तो डी आई इज इक्वल टू रो एस डी डी जेट अब हमारा अब हमें नेट आई निकालना है तो रोवेस तो रो और आर क्यूब तो कॉन्स्टेंट है तो ये बाहर आ जाएंगे रोएस इन टू आर क्यूब हमें इंटीग्रेट करना है फाइव को और जेड को डबल इंटीग्रेट हम लगाएंगे फाइव कहां से कहां तक वेरी करेगा देखिए ये जो होलो सिलेंडर है ये बिल्कुल टू पाई के एंगल तक है मीस जो एरिया का डिस्ट्रीब्यूशन है वो फाइव इक्वल टू जीरो से लेके इक्वल टू पाई तक है थ्रू आउट द जेड तो फाइव की लिमिट होगी जीरो टू टू पाई जेड से कहां तक करेगा हमने इस पॉइंट को जेड इजिकल टू जीरो मानना है और इस पॉइंट को जेड इजिकल टू एच मानना है जेड हमारा वेरी करेगा जीरो से लेके एच तक इस इंटीग्रेशन को सोल्व करना बहुत ही सिंपल है पहले हम डी फाइव को इंटीग्रेट करेंगे तो उसका आंसर फाइव आएगा फाइव की लिमिट पुट करेंगे तो टू पाई आएगा

तो टू पाइच हमारा कैंसिल हो गया सॉरी यहाँ पर कैपिटल आर आएगा तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे आर स्क्वायर बचेगा तो आंसर आ जाएगा एम आर तो हम कह सकते हैं कि होलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क एक ऐसा होलो सिलेंडर जो कि सेंट्रल एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है वो चाहे एंटी क्लॉकवाइज किसी भी डायरेक्शन में रोटेट करे उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा एम आर स्क्वा जहां पे M इसका मास है और R इसकी रेडियस है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसकी हाइट पे डिपेंड नहीं करेगा क्योंकि यह एक्सप्रेशन हाइट से इंडिपेंडेंट है नेक्स्ट वीडियो में हम सोलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करेंगे